हेलो एवरीवन, आज हम सुदामा चरित इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए, सीस पगाने झंगा तन में प्रभु जाने को आही पसे के ही ग्रामा। सीस यानी सिर पर, सिर पर ना तो पगड़ी है ना ही तन में कुर्ता है। पता नहीं कौन से स्थान से आ गए हैं, यानी कौन से गांव से ये आए हैं, यह पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर सुदामा की दरिद्रता का वर्णन कवि ने किया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपाय उपाने को नहीं सामा। इनकी जो धोती है काफ़ी फट गई है। द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक रहो चकिसों वसुधा बिरामा। और द्वार पे एक दुर्बल सा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया है, जो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है और लगातार वसुधा यानी धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो क्या कर रहा है कि अपना नाम सुदामा बता रहा है और कह रहा है कि मुझे कृष्ण का स्थान बता दो कि कृष्ण कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद ऐसी बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। उसके पांव बुरी तरीके से फटे हुए हैं, उसकी एड़ियां जो हैं वह बहुत बुरे तरीके से फटी हुई हैं। बिवाइन यानी एड़ियों में जो दरारें आ जाती हैं, उनके पैरों में दरार आ चुकी हैं, बिवाइयां आ चुकी हैं और उनके बुरे हाल हैं। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने कितने दिन खोए। कृष्णा पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए। वो दौड़ करके आते हैं और सुदामा जी से पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे। देखी सुदामा की दीन दशा, जब उन्होंने सुदामा की दशा देखी, दीन दशा देखी, तो उन्हें लगा कि यह तो बुरी, बहुत बुरी हालत है। करुणा करी के करुणा निधि रोए और उन्हें रोना आ गया। करुणा निधि यानी जो दया के दातार हैं, वह खुद रोने लगे और उन्हें बड़ी दया आई, करुणा आई सुदामा पर। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। परात में वो पानी लेकर के आए थे जल धोने के लिए, उनके पांव धोने के लिए, लेकिन उनके आँखों में इतना पानी आ गया और वो सुदामा के पाँव पे गिरने लग गया और उन्होंने अपने आँखों के पानी से ही उनके पाँव धो दिए। अपने फ्रेंड के पाँव उन्होंने आँखों के पानी से ही धो डाले। कछु भाप ही हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के है तू। कहता है कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट दिया होगा भाभी ने, जो मुझे तुम दिखा नहीं रहे हो। आगे गुरु मात दये ते लय, तुम चा भी हमें नहीं दीने। स्वयं कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बाण में हो जो प्रवीण। वो कहते हैं कि तुम तो बचपन में भी हमें ये सब चुरा के रख लेते थे, हमारा खाना चुरा लेते थे, तो तुम आज भी उसमें निपुण हो। तुम मुझे दिखा नहीं रहे हो कि मेरे लिए भाभी ने क्या दिया है। पाटरी कांख में चापी रहे, तुम खोलित नहीं सुधारस भी ने। पाछीली बानी अजयनो तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की ने। तुम तो बिल्कुल छुपा रहे हो, उन्होंने जो मेरे लिए चावल भेजे हैं तुम वो सुधारस मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे हो। तुमने ये पोटली अपनी कांख में क्यों छुपा रखी है। फिर वह कहते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, पुलकनी यानी खुश होना। वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। क्या कह रहे हैं कि जो जब कृष्ण के यहाँ पहुँचे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी और वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनको दो मुट्ठी चावल खाते ही दो लोगों की धन दौलत दे दी थी, जब सुदामा ने उन्हें अपनी पोटली से चावल निकाल करके दिए थे।
लेकिन सुदामा को पता नहीं था कि उन्होंने कृष्ण ने उन्हें क्या गिफ्ट दिया है। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे, यानी एक बार उनके मन में ये आ रहा है कि पता नहीं ये कुछ देगा या नहीं देगा, क्योंकि ये तो बचपन में भी खुद मांगता था। सुदामा तो पहले ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा। सुदामा बहुत नाराज़ थे और वे सोच रहे थे कि जाकर अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वैसो ही राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कहो परियो कहूँ मारग धूली की फेरे के में अब द्वारे का आयो। कहते हैं कि वे यह आना ही नहीं चाहते थे। अब हालात यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे और बदले में खाली हाथ जा रहे थे। अब वो जा करके उसको क्या जवाब देंगे कि कृष्ण ने उसे क्या गिफ्ट दिया। कै वह टूटी सी छानी हती, कै वह टूटी सी छानी हती। कहते हैं कि सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा, वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट था। वैसो राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, तब उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे कि द्वारका में वहां पर उनको हाथी घोड़े देखने के लिए मिले थे। तो संभ्रम यानी उनके मन में भ्रम हो गया और उन्हें लगा कि भूलकर वो द्वारका ही आ गए हैं, उन्हें लगा ही नहीं कि उनका गांव है और शायद वे रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए हैं और सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ गया, लालच आ रहा था उसके मन में। यही सोच करके वे गांव के बीच में चले जाते हैं, मांझ में चले जाते हैं, यानी बीच में चले जाते हैं। वहाँ जाकर के सुदामा ने सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा, लेकिन उनको झोंपड़ी दिखाई नहीं देती है। झोंपड़ी को कछु कहूँ खोज ना पायो, यानी उन्हें झोंपड़ी दिखाई नहीं देती है। वास्तव में उनकी झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की जो कृपा थी उससे जो महल बने थे उनको वह दिखाई देते हैं, और जिनके कारण से उनको काफ़ी भ्रम हो गया था और श्री कृष्ण ने तो उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन की अब धाम सुहावत। या तो वहाँ एक टूटी हुई सी छान की सी झोंपड़ी होती थी, या तो अब वहाँ पर काफ़ी सुंदर सुहावने महल बन चुके हैं। उसके बाद कह पग में पनही न हती, पैरों में जो थी जूतियाँ तक नहीं थी। कह ले गजी राज उठाड़े महावत, अब तो हाथी लेकर के महावत खड़े रहते हैं, यानी सवारी के सभी साधन भी उपलब्ध हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद ना आवत। कैसे ये कठिन अपनी रात बिताया करते थे, जमीन पर सोया करते थे, लेकिन अब तो उन्हें बहुत कोमल सेज मिल चुकी है, सुंदर सुंदर बेड मिल चुके हैं जिस पे उन्हें अब नींद नहीं आती है, क्योंकि वो पहले तो ज़मीन पर सोया करते थे। कहाँ पहले तो यह हालात थी, उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी नहीं मिला करते थे, लेकिन अब उन्हें बहुत अच्छा खाना उपलब्ध हो रहा था। भगवान की दया से उन्हें सब कुछ मिल रहा था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, लेकिन अब उन्हें ये दाख यानी किशमिश भी नहीं अच्छी लग रही है और वे भी उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन चीज़ों की आदत हो चुकी है जो वो पहले बुरे हालात में रहते थे, गरीबी में रहते थे, उसकी उनको आदत हो चुकी है। प्रश्न की बात करें तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? श्री कृष्ण की आंखों में से पानी बहने लग गया था और उन्होंने उनके पांव धोने के लिए परात मंगवाई थी, परंतु आंखों से इतना पानी बहा जिससे सारा सुदामा के पैर जो थे वो पानी से ही धुल गए थे। सेकेंड प्रश्न है, पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बाल सखा जो आंगन में आया है उसमें पांव धोने के लिए परात को मंगवाया गया है, लेकिन आंसुओं से ही पैर धुल गए और परात में लाया गया सारा पानी जो है वो बह गया, व्यर्थ हो गया। इसके आज हम इतने ही प्रश्नोत्तर करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।